हाय बच्चों, आज हम लोग ट्रांजिस्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये कौन सा ट्रांजिस्टर पहले ही पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर जो है कैसे जानेंगे एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो देखिए, इसका एरो से पता चल सकता है यूनिटेड फ्लो करंट फ्लो है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। फिर यहाँ देखिए वीबी लिखा हुआ है, मतलब बेस मीटर वोल्टेज, इससे पता कर सकते हैं बेस इधर है तो मीटर है, मतलब बेस मीटर वोल्टेज है मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर वीबी होता तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ द ट्रांजिस्टर हैविंग डीसी कलेक्टिव मीटर वोल्टेज, मतलब यहाँ का वोल्टेज दिया 5 वोल्ट, ठीक है। वीबी जो दिया है 0.7 वोल्ट, एंड ये जो बीटा आपका है कॉन्स्टेंट जो वैल्यू दिया है ये कितना दिया 45, एंड आरबी जो गेन का वैल्यू है 45, एंड आरबी जो है तो फाइंड आउट करना, मतलब बेस रेजिस्टेंस, यही है बेस रेजिस्टेंस वाली, ठीक है। यहाँ का रेजिस्टेंस का मुझे पता लगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जो गिवन डेटा था उसको लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ देखिए बेस मीटर वोल्टेज सिग्नल के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता है दैट इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए, यहाँ पे जब अप्लाई कर देंगे इस आउटपुट सर्किट में केवीएल, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, बीसी बराबर बीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी प्लस आर, ठीक है। आपको यहाँ से आईसी का वैल्यू निकालना है, तो आईसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीसीसी माइनस बीसी बाय आरसी प्लस आर। तो आईसी इसका सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, बोलिए बीसीसी का वैल्यू कितना है, ये आपको गिवन है 24 वोल्ट, और माइनस बीसी कितना है 5 वोल्ट। ये है आपका 1 ओम रेजिस्टेंस है, 8 किलो ओम है, तो आप इसको भी आप किलो में चेंज कर दीजिए, ठीक है। ओम में दिया किलो में चेंज करेंगे 0.23 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फाइनली कैलकुलेशन कीजिएगा कैलसी से, तो ये वैल्यू आ रहा है 2.31, ओके। तो कलेक्टर करंट पता चल गया, और आपको यहाँ से क्या कर लेना है, आई सी वैल्यू यू नो रिलेशन कलेक्टर करंट क्या होता है बीटा इंटू आई, यहाँ से बेस करंट क्या जाएगा, तो आई जाएगा आई सी बाई बीटा, ठीक है। आई सी बाई कितना हो जाएगा बीटा, तो हम बीटा आई सी इज गिवन 2.31, बीटा मेरा 45 दिया हुआ है गेन, ठीक है। 0.0513 क्या हो जाएगा, ये एम्पियर हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये आपका क्या निकल गया, बेस वैल्यू निकल गया, ठीक है, बेस करंट का वैल्यू हो गया। और आरबी का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मतलब बेस रेजिस्टेंस का, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये हम लोग सारा कैलकुलेशन यहाँ से इनपुट साइड में केवीएल अप्लाई कर देंगे, मेरा कुछ रिलेशन इस टाइप का है, ठीक है। आई बी इक्वल टू बी सी सी माइनस बी वी बाय आर बी प्लस बीटा आर सी प्लस आर, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं अप्लाई करके, केवीएल अप्लाई करके आर बी में होता क्या होगा, बी सी सी माइनस, यहाँ से एक्चुअली ये वैल्यू निकालना था बेस रेजिस्टेंस का, इसका जब डायनेमिक कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, बी सी सी माइनस बी वी माइनस आर बी इंटू बीटा आर सी प्लस आर बी बाय आई बी, सारा वैल्यू पता है, ये गिवन ऑल वैल्यूज। तो 24 वोल्ट बीसीसी था, वीवी था 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, आईवी कितना है 0.0513, बीटा जो गेन है वो 45 दिया हुआ है, ठीक है। और आरसी का सारी ये भी वैल्यू गिवन है, आरसी कितना है 8 किलो ओम, इसको भी आपने चेंज कर दिया 0.23 हो गया। तो फाइनली तो आईवी का वैल्यू 0.513 था, और जब इसको कैलसी कैलकुलेट करेंगे तो बेस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 85.77 किलो ओम, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल था, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में, एसएससी जेईई के क्वेश्चन, ठीक है, ओके, थैंक यू।